चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बिजली फ्री का भी वादा किया था, बिजली का एक अन्ना फ्री नहीं हुआ रहा। मेरा 52,000 का बिल दिखाऊं मैं चीज, और बिजली वाले ने कहा कनेक्शन काटेंगे, मैं कैसे पहले जो लाइन हुई 15 दिन का पेमेंट किया था, 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा, बताओ कहाँ पेमेंट हो रहा। बस नू कहते 6 दिन आ जाएंगे, कहा 6 दिन है, ये तो बुरे आ रहे लोगों के। और बीजेपी के बारे में सोचते योगी आता है स्कूल में, जाट कॉलेज में बहुत उम्मीद लगाए थे, पर अरब भी नहीं बोल रहा इस मील के बारे में, तो एक भी पेमेंट क्यों वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं कहा। 10 साल मोदी के, 10 साल मनमोहन सिंह के, भूमिया ग्रैंड बिल, मनरेगा और RTI, आप 10 साल में एक बताओ इनकी। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में हैं, और ये जिला बागपत की लोकसभा बागपत सीट है, और ये यहाँ पर शुगर मिल है, मलकपुर शुगर मिल है यहाँ, और यहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, और गन्ना भुगतान जैसी समस्याओं को लेकर उनका क्या कहना है। कहाँ से भाई जी? बावली भाई। बावली, तो क्या स्थिति है गन्ने की, किसान की, पेमेंट की क्या स्थिति है? पेमेंट भाई पिछले साल का है, दिसंबर का भी पूरा नहीं हुआ पिछले साल का, और ये साल है? ये साल 2-3 महीने गन्ना जा रही है साल, इस साल का तो दिसंबर तो ये भी चल रहा ना, साल भर पूरा हो गया। तो क्या कारण लगे आता नहीं, पेमेंट क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट का दबाव नहीं, पेमेंट इस वजह से नहीं कर रहे, कुल यहाँ के लोकल नेता जो है वे घूस गोरी खा रहे अपनी। भाई किसानों का तो पेमेंट होना चाहिए टाइम पे, और जागतों की फीस जानी चाहिए, अरे जागतों की फीस नहीं जा रही यार, कुकर हो जाएगा बता। एक साल का रोक रहा, एक साल का पेमेंट रोक रहा पूरी साल का। और ये मील कौन सा पड़ता है? मलकपुर मील पड़े है जी, ये बागपत जिले में जी। ये समस्या ही कैसी पैदा हो जावे अगर नू बता, पेमेंट नहीं होता, पेमेंट नहीं हो रहा टाइम पे, जागतों फीस नहीं जा रही, और खर्चे हो गए नहीं रे, बुर्गे का न्याय करनी है पेमेंट, और ये साल भर का गेट लग रहा है, वो जाओगा अगली वो आओगा अगली साल, बताओ किसान आदमी के कर ले के नहीं, फीस दे ले जाओ तो के कर ले के नहीं, राशन लिया के लावे नु बताओ, समस्या बन रही जी सबसे ज्यादा जी। लेकिन पेमेंट की अगर बात करें, हाँ जी भाई 14 दिन में कहा था पेमेंट, बागपत में आए सरकारी नुमाइंदे आए सरकार के लोग, तो उनका जो वो कह के गए थे उनकी बात पे कुछ अमल नहीं हुआ प्रशासन द्वारा? कुछ नहीं हुआ अमल, कुछ नहीं हुआ जी, वो तो बस सरकार है जी, या तो जी अपने सरकारी मिल लिया उनका पेमेंट हो गया, वो दिखा दिया पेमेंट हो रहा जी, और कुछ नहीं जी। आपको क्या लगा बाबू जी, क्या नाम? पेमेंट तो दिया नहीं। नाम बताओ, नाम क्या है आपका? जोगिंदर। जोगिंदर जी क्या लगे, कैसे क्यों समस्या आ रही है पेमेंट की? पता नहीं इसको तो मोदी है, यू भी मोदी और वो भी मोदी आपस में ही कर रहे हैं। हाँ एक साल का रोक है, एक साल का गंडा लेगा, एक साल का रोक पेमेंट नहीं देता टाइम पे, तो कैसे होगा? चुनाव भी आ रहे, चुनाव तो हम तो रालोद गए हैं भाई। तो बागपत लोकसभा सीट पड़ती है, तो क्या लगे आपको, क्या समीकरण बनेगा इसमें? हमारे वाला तो जयंती जीतेगा यहाँ तो। क्या नाम बाबू जी? इंद्रपाल सिंह है भाई। इंद्रपाल जी क्या समस्या है पेमेंट को लेकर, किस तरह की चीजें देखनी पड़ेगा किसान को, किस तरह की स्थिति? सारी समस्या है, खाद नहीं आता टाइम पे, बीज नहीं आता, पानी नहीं दिया जाता टाइम पे, सबको पैसा चाहिए, पैसे तो हो जाओ कुछ हो, बिजली का भी पैसा नहीं रहा, बिना पैसे दिक्कत ही दिक्कत है सारी, बगर में पैसा देता नहीं मारा मिल। तो जैसे गन्ना मूल्य की भी बात आवे कई बार, कुछ पैसे गन्ने पे बढ़े या घटाए, कैसे खाने में तो खुल जा नहीं कुछ, ये लोग कुछ नहीं क्लियर कर रहे बात, सरकार इतनी बढ़िया है, सरकार तो दे ही नहीं पैसे न, सरकार इस बार ये जान नहीं है सरकार का नहीं है। और जो किसान के लिए जैसे दवाई खाद इन सब की क्या स्थिति है? ज्यादा पड़ती नहीं जी, पैसा नहीं मिलता है, कहाँ पड़ेगी दवा खाद, इनके रेट में महंगाई का सर किसान तेरी, इनकी तो बहुत महंगाई है दवा की तो। क्या नाम भाई? भाई क्या नाम, कहाँ से? बावली से भाई। बावली से, चलो बावली के लोग तो बहुत मजबूत हो। मजबूती है जी, फ्री में लाग रहे थोड़ा। तो क्या स्थिति कैसी आ गई किसानों के साथ पेमेंट को लेकर? किसानों की तो स्थिति भाई सब एक ही खराब है, यहाँ जो मलकपुर मिल पे जिसका है बॉन्ड,
उनकी तो पूरी हालत जो है खराब है सभी की, जिसका जो है बाहर तो चल रहा मामला ठीक है, नहीं तो इसके भरोसे तो कोई आदमी सब्जी भी नहीं खा सकता। लेकिन बागपत से तो 14 दिन का वादा करके गए थे भाई, बागपत की सभा में तो ये पता नहीं क्या करे भाई, सरकार है वादे तो सब करे पूरे थोड़ा ही कर देंगे। इस सड़क पर कुछ होगा देखिए हालत कैसी है, गादड़ पे भी नहीं भाग गया जाए इस पर को, और इस पर को जाने पड़े हमें ट्रैक्टर सारे, हमारे ट्रैक्टर भी जा रही है बुग्गी, कभी किसी का रिम पटे किसी का टायर पटे, कौन दे रहा पीछे, मीन वाला तो देता नहीं रही सरकार इतनी तो की, आधा सीजन जा लिया ईब 15 दिन में और ख़त्म हो जाएगा आधा सीजन, बोलिया भाई पूरा आधा सीजन, और सारा रेट भी घोषित नहीं हुआ सरकार पे, बताओ इतनी बढ़िया सरकार है रेट घोषित नहीं हुआ, तो चुनाव भी आने वाले हैं अपनी एसएससी कराओ, पेमेंट तो हाला होना ही नहीं, इस बिल का तो होगा ही नहीं किसी पे भी, बिजली फ्री का भी वादा किया था, बिजली का एक आना फ्री नहीं हुआ रहा, मेरा 52,000 का बिल दिखाऊ मैं चीज, और बिजली वाले नु गए कनेक्शन काटेंगे, मैं कैसे पाल ले जाओ लाइन कोई, अभी अभी घोषणा की थी कुछ दिन पहले ही होगी सरकार ने कि भाई किसानों की ट्यूबवेल का बिल, अरे घोषणा बताई तो थी तो पहले ही बिल आ रहे, अभी घोषणा ही है यहाँ कुछ नहीं, बिल आ गई हो रहा बिजली घर पूछ ले, गांव के बाहर ही है, आईडी दे दूंगा चेक करवा ले, और पहले साल हमने भरा था मार्च में पूरा बिल हमने क्लियर करा था मार्च में 27 मार्च को, और बिजली वालों के जा कई बार फोन आ लिए क्या लार थारा कनेक्शन काटे मका काट दो, जब जाए पीछे नहीं आते कहीं कहाँ थे भरे बिल, पीछे आऊँगे जी भी तो बिल भरा जाएगा, इब जब इस मील पर 4 लाख रुपए का गंडा गिर लिया मेरा, और पहले साल का रह रहा 4 लाख रुपए का, कहाँ तक दें जाकत कहाँ जाएंगे मेरे फीस कहाँ तक देंगे, हमें भी कुछ लत्ते पत्ते पहनने पड़े जूते पुते, तो भर्ती वर्ती होती रहती थी उनकी क्या स्थिति, भर्ती वर्ती भी सब खत्म हो ली, जाट के बालक जो है आर्मी में जाते आर्मी का ही मामला 4 साल का हो गया खत्म होगी बात, ज्यादातर जो है 70% बालक जाटू के आर्मी में ही जाते, लोकसभा चुनाव है क्या समीकरण बनाओ भाई, जो कुछ मेरे बड़े बुढ़े करेंगे वो ही होगा मामला, ज्यादातर लोग चले गए हैं। नमस्कार भाई जी, जी कहाँ के रहने वाले भाई? रठोड़ा। चलिए बागपत में आते हैं। हाँ जी, तो क्या आपको क्या लगा, किस तरह की समस्या है भाई? समस्या है सारी, बिजली का बिल फ्री कर दिया लोगों को, कह दिया बिल फिर भी आ रहा, 15 दिन का पेमेंट कहता 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा, बता कहाँ पेमेंट हो रहा, बस नू कहते 6 दिन आ जाएंगे, कहाँ 6 दिन है, ये तो बुरे आ रहे लोगों के, बच्चों की फीस नहीं, हाथ की समस्या, पानी की समस्या, सड़क देख लो कैसी हो रही, समस्या बताओ क्या बताओ, तो कैसे चलेगा काम, चुनाव भी आ रहे कैसे जनता, चुनाव तो मैं जैसा लगे कुछ पब्लिक जाग गई और कुछ जागने वाली हो रही। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले? बावली के। चले मजबूत गांव है बावली, क्या 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, चर्चा चल रही पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, आप बागपत लोकसभा सीट पड़ती है, क्या देख रहे, कैसा लगा कार्यकाल सरकार का, किसान की क्या? भाई बागपत तो ही लोक दल का ही है, और बीजेपी के बारे में सोचते योगी आता है स्कूल में जाट कॉलेज में, बहुत उम्मीद लगाए थे पर अरब भी नहीं बोल रहा इस मील के बारे में, तो एक भी पेमेंट को वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं कहा, नू कह देता पेमेंट देना और क्या कह, कुछ भी नहीं कहा बस। तो कैसे समस्या का हल कैसे लगे? समस्या का समाधान भाजपा के रहते तो नहीं और इस मील का नहीं, लेकिन 2 बार तो नहीं लिया है बाहर जान, तो 5 साल को और फ्री कर दिया है, जैसे कोई दिए आगे किसी को काम नहीं करना के भूखे मरेंगे ये, तो समस्याएं कैसी कैसी आ रही 10 साल समस्या पेमिट की गई ठाडी नहीं बिजारू की और कुछ समस्या नहीं, भाजपा ही रहती जो दोनों काम करता, लेकिन और भी बहुत सारे बता रहे हुए काम कर रहे हैं, मोटी से मंदिर बनवा रहे, ये कर रहे, मंदिर में कौन जा गुरु तो मुंह धोता नहीं मारा, मंदिर में जा गए हम बता मंदिर का क्या करेगा तू, बड़ा भव्य मंदिर बनवा रहे राम मंदिर नहीं के करेंगे मंदिर में जब जान दोगे नहीं रहे मतलब। रोजगार की अगर बात करें, भर्तियां होती थी पहले यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस आर्मी, इनमें क्या स्थिति है, सरकार की एक पॉलिसी भी आई अग्निवीर तो भाई समझ तो बाहर है, बच्चे जो है जाना पसंद नहीं करते, इसमें नुकसान हो रहा। हाँ नुकसान है, 4 साल की नौकरी है,
बॉर्डर पे किसान ही है, किसान के ही बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छा अवसर होता था देश सेवा के लिए, तो वो एक तरह से अग्निवीर ले आए, वो पॉलिसी कितनी बेहतर आपको लगती है? उसकी तरफ से ध्यान हट गया बच्चों का, वो ध्यान नहीं है जो पहले था, तो वो तैयारियाँ होती है अभी भी? हाँ तैयारी हो, लेकिन और चीज़ की करें, भोजपुर की नहीं करते उसकी तरफ। क्या नाम भाई? मेरा केपी तोमर है जी। तोमर साहब, क्या लग रहा है जो 2024 का चुनाव भी है, क्या स्थिति? किसान तो बदलाव ही चाह, और बिरादरियाँ हैं जिन्हें फ्री का मिल रहा, जिन्हें इस देश से कोई मतलब, वे लोग कुछ बीजेपी का अपना ही एजेंडा है, उस हिसाब से बीजेपी जीत जा। किसान तो हमेशा ही बदलाव चाह। अभी आपने देखा होगा 93 दिन धरना चला शाम में, उन लोगों को रात को बुलाकर जबरदस्ती उठा दिया गया, वे गेहूँ बोने की भी स्थिति में नहीं, किसी के यहाँ ठेकेदार नहीं, नौकर नहीं, वे कितने परेशान हैं वही तो बताओगे। सेम सिचुएशन यहाँ है, पता नहीं जिसकी स्थिति ऐसी है, क्योंकि एक तो यहाँ हमारे यहाँ जोत बहुत कम है, ज़मीन बहुत कम है, थोड़ा बहुत गन्ना यहाँ डाल रहे हैं उसका कोई पैसा नहीं, कुल्लू में डाल रहे हैं उसका कोई रेट नहीं, लोग परेशान हैं, किसी के ट्रैक्टर ख़राब है, किसी का कुछ, साहूकार से पैसे ले वो ब्याज नहीं पटता, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत गंभीर। रोज़गार की आप बात कर रहे हैं, बताओ 10 साल कांग्रेस रही, LDC की वैकेंसी गिन लो, CGL की गिन लो, अगर किसी पढ़े लिखे आदमी से तर्क वितर्क करे तो अलग बात है, नहीं तो देसी आदमी बहस करे उनसे, हम कोई ज़्यादा बात नहीं करते। आप देख लो कितनी वैकेंसी आई थी, 3 योजनाएं मैं बताऊं आपको कांग्रेस की, 20 साल का तो ऐसा याद है जने कल ही, 10 साल मोदी के, 10 साल मनमोहन सिंह के, भूमि अधिग्रहण बिल, मनरेगा और RTI, आप 10 साल में एक बताओ इनकी किस हिसाब से वोट मांगने आ जाएंगे। सांसद जी हमारे गांव के पास के हैं, यहीं क्षेत्र से, आज तक उन्होंने इस 10 साल में एक बार इसके लिए ना कोई लेटर लिखा, ना कभी इस गन्ने के उस पर बोला, उनकी लड़की ने एक ही बयान दिया था, किसान है भेड़िए, किसान के रूप में ये भेड़िए हैं, हम तो भेड़िए हैं। अब वोट तो हम देंगे नहीं उन्हें, ये क्षेत्र तो हमेशा ही बदलाव चाह, अब देखो आगे क्या होगा, बहुत सी स्थिति ऐसी है, रास्ते आपने देख लिए होंगे, आप इस रास्ते से आए, एक रास्ता बना दिया उस पर टोल लगा दिया, जीब हम अपनी गाड़ी का सर्विस टैक्स भी दे रहे, रोड टैक्स भी दे रहे, फिर टोल टैक्स का एक क्या, किस चीज़ का ढोल पीट रहे वे, एक वहाँ उधर हाईवे बना रहे ये लोग, उसका ढिंडोरा पीट दिया। ये चौधरी अजीत सिंह की योजना थी ग्रीन एक्सप्रेसवे के नाम से, जमुना के नीचे नीचे वहाँ जाना था, उसको उठा कर यहाँ ले आए, जो ज़मीन ख़राब थी वह उसमें चली जाती, वह कामयाब हो जाती, फ्री की सरकार को मिलती, उसके बजाय यहाँ ले आए, जिस ज़मीन में सोना उगाया जा रहा था उसे ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं किसान को आप कह रहे कमज़ोर, बहुत बुरी तरह से इतना कमज़ोर हो जाएगा कुछ दिन में, अपने आप ही नहीं सौंपेगा। जो ठीक किसान है जिनके घर कुछ रोजगार है, वे तो खेती करते नहीं, उन्होंने तो अपनी ज़मीन ठेके पे दे दी, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, जिसके घर में कोई बाहर का रोज़गार नहीं है उनकी स्थिति नहीं पता, और ये चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र को नक्सलाइट बना दें, इस हिसाब से आदमी बनी जाएगा। अभी आप देख लो कितने दिन हुए योगी जी आए थे, कोई ये कमेंट करके नहीं गए गन्ने, सबको उम्मीद थी रेट बढ़ा के जाएंगे, ये करके जा, ऐसी इतनी ख़राब सरकार, इससे पहले भी सरकारें रही, पेमेंट की स्थिति और भी ख़राब थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी, मिल बंद होने से पहले पिछला मिल जाता, पर्ची हमें जिब चाहती जिब ही टाइम पे हमें पर्ची मिल जाती, अब ना हम पर्ची ले सकते, पेमेंट भी जिब मिलेगा जिब बंद हो जाएगा, और अपनी मर्जी से देगा, अगर धरना दोगे तो आपके घर कुड़की के वारंट आ जाएंगे या बुलडोजर चला जाएगा, ये नामर्द है, ये ना किसी तरह की कोई लाज लिहाज नहीं है, नहीं तो बुलडोजर यहाँ चलना था। हम उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में थे, और जिला बागपत में ये मलकपुर शुगर मिल है, जहाँ पर हमने किसानों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किसान किस तरह की समस्या में है, और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, जनता में रोष है, किसानों में रोष है सरकार की पॉलिसी को लेकर। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।